Enigma Footwear is a very innovative organization. The company has the policy of paying proper attention to the training of the managers. तो managers के हमें proper training के ऊपर focus करती थी company. Organization teaches various management principles to the managers whenever required so that they can apply them and understand the practical aspects of the business through them. तो organization क्या teach करती थी? Management को principles सिखाती थी. Principles of management के बारे में बताती थी. Whenever required, ताकि वो उन प्रिंसिपल्स को एम्प्लॉयज को अगर प्रिंसिपल्स के बारे में पता होगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में तो वो बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं. ईयर बाय ईयर द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू. अब एम्प्लॉयज के पास अच्छे से प्रिंसिपल्स के थ्रू काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज तो रेवेन्यू इंक्रीज तो होगा कंपनी का. दिस इज बिकॉज द मैनेजर्स आर एबल टू इकोनॉमिकली यूज द फंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द वर्कर्स थ्रू वेरियस प्रिंसिपल्स. भाई सस्ते के अंदर क्या कर पा रहे थे मैनेजर्स? इकोनॉमिक यूज ऑफ द फंड्स, मतलब फंड्स की एक सौ वेस्टेज नहीं हो रही थी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो रहा था. वर्कर्स भी अपनी आउटपुट अच्छे बना रहे थे विद प्रॉपर डिसिप्लिन एंड द साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मेथड से. ट्रेडिशनल मेथड फॉलो नहीं कर रहे थे, एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे थे जिससे आउटपुट अच्छा निकल रहा था. दिस ईयर द कंपनी विल बी ओपनिंग इट्स कितने कौन से ब्रांच ओपन हो रही है? 14th ब्रांच. द फर्म हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट द कैंपेन फॉर अडॉप्टिंग पुअर चिल्ड्रन. दिस ईयर द टारगेट इज 500 पुअर चिल्ड्रन ड्यू टू बी अडॉप्टेड. This will help the organization put noticeable example in front of others who can learn a lot from on the initiative of the company. The company ऐसा सोचती है कि जब हम पहला कुछ करेंगे ना तो बाकी और companies भी इसके बारे में सोचेंगे और कुछ अच्छा होगा. तो कौन कौन से importance of principles की बात है ना यहाँ पे? एक तो आपका optimum utilization of resources के funds को economically use कर देती, fulfilling social responsibilities और providing managers with useful insights into reality. Because managers को ये क्या सिखा रही थी ना अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर देते. तो प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स, कंपनी की जो भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो कंपनी के मैनेजर्स फॉलो करते हैं वो सारी चीज़ें किसको सिखाई गई? कंपनी के एम्प्लॉइज को. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29. अब बात कर लेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. चलो सेल्फ करो एक बार पहले फटाफट से. ये वाले केस स्टडी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देख लेना, चेकअप पढ़ लो. देखो, कोना कोना कंस्ट्रक्शन इज अ वेल नोन फर्म. इट हैज मेनी एम्प्लॉइज. इट्स कोर कॉम्पिटेंसीज इज इन द कंस्ट्रक्शन वर्क. इट्स कोर कॉम्पिटेंसी होता है ना कुछ स्पेशल स्किल. कोर कॉम्पिटेंसी क्या है ना? कुछ स्पेशल स्किल्स. जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मेरी स्पेशल स्किल है कि मैं बहुत अच्छे नोट्स बना सकता हूँ पावर पॉइंट्स के थ्रू. तो क्योंकि मैंने ऐसे नोट्स नहीं देखे और टीचर्स के बनाए हुए, तो मान लो ये मेरी कोर कॉम्पिटेंसीज हो गई. ठीक है, कोर कॉम्पिटेंसी होती है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कुछ हटके क्या कर रहे हो. ठीक है, बट इट हैज मेनी अदर ऑपरेशंस टू टैकल ऑल्सो. दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर कनेक्टेड टू पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग एंड फाइनेंस. विद चेंजिंग टाइम्स कंपनी हैज डिसाइडेड टू आउटसोर्स सम सर्विसेज फ्रॉम द एक्सपर्ट्स ऑफ दोस फील्ड्स. तो आप कंपनी के पास इतना सारा काम आ रहा है ना अपने के वो बाकी का कुछ काम क्या कर रहे हैं ना, आउटसोर्स कर रहे हैं, किसी दूसरी कंपनीज को दे रही है जो एक्सपर्ट्स है उस कंपनी के. थस इट हैज डिसाइडेड टू सेव टाइम एंड कंसंट्रेट ऑन इट्स मेन बिजनेस. फोकस इसके ऊपर करेंगे ना अपने मेन बिजनेस के ऊपर. There is a team of civil engineers who form the main body of the decision group. This group takes decision related to future construction projects after making thoughtful and justifiable conclusion. The newspaper of the company have also appreciated the efforts made by the newspaper of the country. तो country का newspaper भी खुश है. कोना कोना construction company के लिए क्या कर रहे हैं? Appreciate कर रहे हैं. इन गिविंग द बेटर हाउसिंग फैसिलिटी टू द पीपल इन जनरल. तो न्यूज पेपर के अंदर भी आर्टिकल आया कि कोना कोना कंस्ट्रक्शन कंपनी इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है अपने पीपल्स को, अपने कस्टमर्स को. कंपनी वॉन्ट्स टू वॉक शोल्डर टू शोल्डर विद अदर इंटरनेशनल फर्म्स इन द कंट्री. तो इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स है ना, सेम इंडस्ट्री कौन सी होगी ना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. उसके अंदर जितने भी इसके कॉम्पिटिटर्स है उनके साथ एकदम टफ फाइट देना चाहती है. But this time it again prepares its employees through proper training modules which educate them about the changing situation at the global level. देखो, कंपनी अगर कुछ अच्छा करना चाहती है तो सबसे पहले उसके employees के अंदर बहुत ज्यादा दम होना चाहिए. उनके अंदर काफी अच्छी क्या होनी चाहिए सर? I would say skills होने चाहिए. तो कंपनी ने सबसे पहले ग्रो करने के लिए किसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया? अपने employees की ट्रेनिंग प्रोवाइडिंग स्टार्ट कर दी. The net worth of the company is expected to touch 20,000 crore this year, which is going to be landmark achievement in the history of this firm. तो 20,000 करोड़ की होने वाली है इसकी टर्नओवर, नेटवर्थ, सॉरी नेटवर्थ. नेटवर्थ का मतलब होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. के सारी लाइबिलिटीज पे करने के बाद कंपनी के पास खुद की कितनी एसेट्स होगी? 20,000 करोड़ की. कंपनी इज ऑल्सो मार्क्ड हाई इन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कौन कौन से इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड है? भाई पहला होगा मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट.
अब देखो ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो अननेसेसरी वर्क है ये क्या कर रहा था, आउटसोर्स कर रहा था और मेन अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहा था। साइंटिफिक डिसीजंस की बात करें तो जस्ट दिस ग्रुप टेक्स डिसीजन रिलेटेड टू फ्यूचर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आफ्टर मेकिंग द थॉटफुल एंड जस्टिफाइबल कंक्लूजंस। तो ऐसी हवा में डिसीजन नहीं लेके जाए, सोच समझ के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से लोग क्या ले रहे हैं डिसीजन ले रहे हैं कि भाई फ्यूचर में क्या होगा उस हिसाब से आज सोच रहे हैं ये, और उसके बेसिस के ऊपर क्या ले रहे हैं डिसीजन। मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हो रही है, एजुकेशन हो रही है, रिसर्च हो रही है फॉर दिस टाइम एंड अगेन प्रिपेयर्स इट्स एम्प्लॉइज थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। प्रॉपर ट्रेनिंग करवा रहे हैं एम्प्लॉइज की एंड फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो आपको बताइए लास्ट वाली लाइन में लिखा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों का हो जाएगा होमवर्क। ठीक है, होमवर्क में कर लेना, डन। तो ये सब कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ। चैप्टर नंबर 2 की भी केस स्टडीज, 30 केस स्टडीज हमने खत्म करी।